The audience has made us. Nobody else has made us. The same people pointing fingers is also, they are only making these nepotistic stars. Na, ab ja rahe ho na film dekhne. To mat jao. Nobody has forced you. So I don't understand where this. It's just like I just find this whole discussion is completely. Aamir Khan ki film Laal Singh Chaddha release ke liye tayar hai. Adwaita Chandan ke direction mein bani is film mein Kareena Kapoor Khan bhi ahem bhumika nibha rahi hai. Ye 11 August 2022 ko theaters par dastak degi. Lekin isse pehle hi social media par hangama macha hua hai. Twitter par boycott Laal Singh Chaddha trend ho raha hai. Log film ko bahishkar karne ki baatein kar rahe hain. Iski wajah hai Aamir Khan ke पिछले सालों में दिए गए बयान जिन्हें देश विरोधी बताया जाता है। उनकी फिल्म पीके में हिंदू धर्म का अपमान करने का भी उन पर आरोप है। हालांकि अब उनके सुर बदल गए हैं और वो कह रहे हैं कि उन्हें इंडिया से बेहद प्यार है। इस विवाद में करीना कपूर खान का नाम भी अब घसीटा जा रहा है। इसके पीछे की वजह है उनके दिए गए पुराने स्टेटमेंट, जब उन्होंने नेपोटिज्म से लेकर स्टैकर्स तक काफी कुछ कहा है, जिसका हवाला देते हुए लोग कह रहे हैं कि उनकी फिल्म देखने वो नहीं जाएंगे। वह आपको बता दें कि करीना कपूर खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये एक इंटरव्यू का वीडियो है जिसमें वो नेपोटिज्म पर बात कर रही हैं। इस दौरान करीना कपूर खान कहती नजर आ रही हैं कि ऑडियंस ने ही हमें स्टार बनाया है, किसी और ने नहीं, लोगों ने ही नेपोटिस्टिक स्टार बनाए हैं। आप जा रहे हो ना फिल्में देखने तो मत जाओ, किसी ने तुम्हें फोर्स नहीं किया है, इसलिए मुझे तो ये पूरा मुद्दा ही अजीब लगता है। अब लोगों ने इसी बात पर करीना को घेर लिया है और अब वो कह रहे हैं कि वो फिल्में देखने नहीं जाएंगे। इसके अलावा करीना को लेकर और भी ट्वीट वायरल हो रही हैं। वह आपको बता दें कि करीना कपूर खान के इस एटीट्यूड बिहेवियर को देखकर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है। जहाँ करीना कपूर खान के इस घमंडी अवतार को देखते हुए लोगों ने कहा कि अगर इन्हें हमने ही स्टार बनाया है तो अब हम इनकी फिल्में बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करेंगे और ना ही हम फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लिए किसी और को जाने देंगे। बता दें कि ये पुराने स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं और आमिर खान के पुराने ट्वीट्स भी सोशल मीडिया पर खूब धड़ल्ले से शेयर किए जा रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। बता दें कि इसी बीच आमिर खान ने लोगों से गुजारिश की है कि वो फिल्म देखने जाएं, लेकिन इसके उलट करीना का कहना है कि वो ऐसी चीजों को सीरियसली नहीं लेती। उन्होंने कहा कि कुछ चीजों को नजरअंदाज ना सीखना होगा, वरना आप जिंदगी जी नहीं पाएंगे। आमिर खान और करीना कपूर खान की ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसमें साउथ स्टार नागा चैतन्य और मोना सिंह जैसे कलाकार भी आपको नजर आएंगे। वेल दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर आपका क्या कहना है।